हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं हैदराबाद गई हुई थी और मैं यहाँ पे आई हूँ यहाँ की सबसे फेमस पॉपुलर डेस्टिनेशन जिसका नाम है चौमहल्ला पैलेस। तो मैं अब इंटर कर गई हूँ चौमहल्ला पैलेस में और ये है यहाँ का पार्किंग स्पेस और ये भी काफ़ी स्पेशियस था। तो अगर आप अपने फोर व्हीलर से आते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा पार्किंग स्पेस मिल जाता है। तो इस पैलेस का ओपनिंग टाइम है 10 AM एंड क्लोजिंग टाइम है 5 PM और फ्राइडे यहाँ पे हॉलीडे होता है। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे। पहले सबसे पहले आपको टिकट बुक करना होता है तो पर पर्सन आपको 100 रुपीज़ देना होगा और अगर आप यहाँ पे शूट करना चाहते हैं तो आप मोबाइल लेके जा सकते हैं, उसके लिए आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। चौमहल्ला एक उर्दू वर्ड है जिसका मीनिंग है चौ मीन्स है फोर एंड महल्ला मीन्स है पैलेस। तो आप मैं आगे दिखाऊंगी कि यहाँ पे ये चार महलों से घिरा हुआ है। चौमहल्ला पैलेस इज़ आल्सो कॉल्ड निज़ाम्स हाउस और मैं यहाँ पे आपको उनकी लग्जरियस लाइफस्टाइल आगे दिखाने वाली हूँ। तो मैं इंटर कर गई हूँ चौमहल्ला पैलेस के अंदर और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, यहाँ पे पहले उनके गार्ड्स वगैरह रहते थे बट अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको शॉप्स में कन्वर्ट कर दिया गया है और यहाँ पे आप नवाबों के स्टाइल में फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। तो ये पैलेस इतना ज़्यादा बड़ा और इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना कि इसको एक्सप्लोर करने में आपको कम से कम 3 to 4 hours लग ही जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ का लॉन भी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है बट यहाँ पे आपको एंट्री प्रोहिबिटेड थी। तो अब मैं आ गई चौमहल्ला पैलेस के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट को एक्सप्लोर करने और यहाँ पे ही इसे ही यहाँ का हार्ट भी कहा जाता है और आप देख सकते हैं हर तरफ कितना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस गार्डन में कितना ब्यूटीफुल सा यहाँ पे फाउंटेन भी अवेलेबल है और आप ये मैं सोच रही थी कि ये उस वक्त कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा निज़ाम्स के टाइम पर। तो यहाँ पे ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये है क्लॉक टावर और यहाँ पे जो ये क्लॉक लगा हुआ है ना वो 250 इयर्स ओल्ड है और स्टिल अभी तक ये वर्किंग है। तो ये है चौमहल्ला पैलेस का हार्ट का इनसाइड व्यू और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना ज़्यादा इसको ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे जो इतने सारे ब्यूटीफुल शैंडेलियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे यहाँ पर। ये है चौमहल्ला पैलेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे निज़ाम्स अपने सारे डिस्कशंस वगैरह यहीं पर करते थे और ये है उनका सीट जिसको तख्त भी कहा जाता है और इस एरिया को दरबार भी कहा जाता था जहाँ पर उनका सारा डिस्कशन होता था, सारा फैसला लिया जाता था इसी एरिया में। तो यहाँ पे यहाँ के ब्यूटीफुल दरबार को एक्सप्लोर करने के बाद हम आ गए यहाँ के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लोर करने और यहाँ पे आप यहाँ के आर्किटेक्चर को डिटेल्स में देख सकते हैं और निज़ाम्स के बारे में भी आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं।
इस पैलेस का कंस्ट्रक्शन जो था वो स्टार्ट हुआ था 1750 में, और आप देख सकते हैं कि ये अभी तक कितना ज़्यादा प्यारा दिख रहा है और कितना वेल मेंटेन्ड है। यहाँ पे आप निज़ाम्स की हिस्ट्री को पिक्चर के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये निज़ाम्स के सीट्स को आप नज़दीक से देख सकते हैं, बिकॉज़ वहाँ पर आपको अलाउड नहीं था देखने का, तो यहाँ पे आप इसको काफ़ी करीब से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप पिक्चर्स के थ्रू देख सकते हैं उनकी लाइफ, उनकी फैमिलीज के पिक्चर्स और उनकी हिस्ट्री। यहाँ पे आप इनके दरबार की पिक्चर्स देख सकते हैं जहाँ पे वो फैसला करते थे, डिसीजंस लेते थे। मुझे इस पैलेस की एक बात काफ़ी अच्छी लगी कि यहाँ पे क्लीनिंग का काफ़ी ध्यान दिया जा रहा था, और यहाँ के जो वॉशरूम्स थे ना वो भी काफ़ी क्लीन थे। और अगर आप हंग्री फील करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा कैंटीन भी आपके लिए अवेलेबल है, जहाँ पे आप टी, कॉफ़ी एंड स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप निज़ाम्स के इमेजेस वगैरह को देख सकते हैं। तो अब मैं आ गई यहाँ के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट को एक्सप्लोर करने। ये है यहाँ का क्रॉकरी पार्ट्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो किस तरह के क्रॉकरीज यूज़ करते थे अपनी डेली लाइफ में। और मुझे तो यहाँ पे देख के काफ़ी हैरत हुआ कि ये जो क्रॉकरी सेट था ना वो काफ़ी ब्यूटीफुल और यूनिक डिज़ाइंस था, और वो इतना ज़्यादा
अच्छा लग रहा था ना देखकर, इस तरह के डिजाइन आपको कहीं नहीं मिलने वाले। और इतने ओल्ड होने के बाद भी ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्रॉकरीज को एक्सप्लोर करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लोर करने, जो है हेरिटेज क्राफ्ट हॉल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ के फर्नीचर्स को, ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल डिजाइन है यहाँ का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेबल चेयर भी कितना ज्यादा ब्यूटीफुल और यूनिक डिजाइन का है, और इनकी रॉयल्टी तो इनके फर्नीचर से ही मुझे दिख रही थी। तो यहाँ पे आपके जैकेट्स भी देख सकते हैं, इसमें भी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुली इसको डेकोरेट किया गया है। ये है उनके स्लीपर्स, शूज़, और सब अभी तक सही सलामत यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये बच्चों के ड्रेसेस कितने ज़्यादा क्यूट है ना। तो मुझे तो यहाँ पे हर कुछ डिफरेंट स्टाइल का दिख रहा था, और सब कुछ काफ़ी यूनिक था, और मैंने तो ये इस तरह का फर्स्ट टाइम देखा था। तो यहाँ पे उनके क्राफ्ट को एंजॉय करने के बाद मैं आ गई यहाँ के डिफरेंट सेक्शन में, जिस जहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के स्वॉर्ड एंड वेपन, वो किस तरह के वेपन यूज़ करते थे यहाँ पे आप देख सकते हैं, और वो हर तरह के डिफरेंट स्टाइल के यहाँ पे आपको वेपन्स दिख जाएंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते कितने डिफरेंट स्टाइल्स के गन्स भी यहाँ पे अवेलेबल थे। तो वहाँ पे वेपन पार्ट्स को एंजॉय करने के बाद हम आ गए थे यहाँ के दूसरे सेक्शन में, और यहाँ पे भी ये आप वेपन्स का कलेक्शन देख सकते हैं कितने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के यहाँ पे वेपन्स रखे हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्वाट का भी कितना ज़्यादा इनके पास कलेक्शंस होता था। तो मेरी तरह अगर आप भी हिस्ट्री लवर हैं और आप भी देखना चाहते कि पुराने ज़माने में रॉयल प्रिंस लोग किस तरह से जीते थे, तो आपको इस महल में एक बार ज़रूर आना चाहिए। तो यहाँ पर वेपन्स को एक्सप्लोर करने के बाद हम आ गए यहाँ के दूसरे पार्ट में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये फोर महल जो है वो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ, और यहाँ का जो विंटेज कार्स है, यहाँ का कार कलेक्शन निज़ाम्स का, वो भी मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ निज़ाम्स के ड्रेसेस को एक्सप्लोर करने, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल ड्रेसेस अवेलेबल है। साड़ी का कलेक्शंस यहाँ पे आपको देख सकते हैं। तो ये है इनका मेंस वेयर कलेक्शन, और आप देख सकते हैं सब कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे ड्रेस कलेक्शंस को एक्सप्लोर करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, यहाँ का बग्गी खाना, जिसे यहाँ पे आप कार कलेक्शंस यहाँ पे इनका देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये कार कितना डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल का है, कितना यूनिक है, और ये रॉयल कलेक्शंस इसे ही कहते हैं। तो रॉयल कार के अलावा भी इनके पास रॉयल बाइक्स भी अवेलेबल थे, और ये आप देख सकते हैं ये है इनका बाइक का कलेक्शंस। तो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कार कलेक्शंस को एंजॉय करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ के डिफरेंट सेक्शन में, और ये है इनका फर्नीचर सेक्शन।
और आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा प्यारा दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो सोफ़ा कलेक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, और इस पार्ट पे हमें जाना प्रोहिबिटेड था। तो ये पैलेस रियली काफ़ी बड़ा था और इसको एक्सप्लोर करने में ना मैं काफ़ी टायर्ड हो गई थी, और मैंने अपनी वीडियो में हर एक पार्ट को कैप्चर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मैं भी अपना पिक्चर्स वगैरह ले रही थी, क्योंकि हर लोग यहाँ पे इस ब्यूटीफुल मोमेंट को कैप्चर कर रहे थे। और फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ यहाँ के शॉप को एक्सप्लोर करने, जहाँ पे काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट यूनिक स्टाइल के आपको ड्रेसेस ज्वेलरीज मिल जाएंगी। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।